आपने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट की चर्चा सुनी होगी, शायद मीडिया में, बातचीत के दौरान या यहां तक कि आपके वर्कप्लेस पर भी। और आप सोच रहे होंगे, आखिर माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट क्या है? चलिए जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आपका एआई साथी है, जो रोजमर्रा के कामों में आपकी मदद करता है। इसे अपना भरोसेमंद साथी समझें, जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देता है और काम आसान बनाता है। ये आपकी जरूरत के मुताबिक ढलने वाला टूल है। चाहे ईमेल लिखना हो, नए फीचर का कोड बनाना हो, कंटेंट बनाना हो या कुछ नया सीखना हो, ये आपकी मदद के लिए मौजूद है। अपनी एडवांस एआई क्षमताओं के साथ कोपायलट संदर्भ को समझ सकता है, काम की जानकारी और सिर्फ आपकी जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए सुझाव दे सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स, ईमेल व प्रेजेंटेशन बनाने और एडिट करने में मदद कर सकता है। ये कंटेंट सुधारने का सुझाव दे सकता है, व्याकरण की गलतियां सुधार सकता है और आपकी लेखन प्रक्रिया आसान बना सकता है, जिससे समय बचेगा। इसके बारे में और जानकारी चाहिए? कोपायलट ऐसा है जैसे आपके पास एक विश्वकोश है। ऐतिहासिक घटनाओं, वैज्ञानिक अवधारणाओं या यहां तक कि सामान्य ज्ञान के बारे में पूछें और कोपायलट तुरंत काम की जानकारी देगा। क्या आपको डेली शेड्यूल मैनेज करने में मदद या किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट का आइडिया चाहिए? कोपायलट इसमें भी मदद कर सकता है। कोपायलट आइडिया या कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा समझने लायक हिस्सों में भी बांट सकता है। चाहे कानूनी शब्दावली हो, चिकित्सा शब्दावली हो या तकनीकी जानकारी, कोपायलट इसे आपके लिए आसान बना सकता है। और सबसे अच्छी बात, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट आज आपके इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है। आइए देखें, आप कोपायलट में कैसे शुरुआत कर सकते हैं। पहला कदम, अपना पसंदीदा वेब ब्राउजर खोलना है। वेब ब्राउजर की एड्रेस बार में टाइप करें copilot.microsoft.com और फिर एंटर करें पर क्लिक करें। आप सीधे इंटरफेस पर जाएंगे, जहां आप अपना कोपायलट का सफर शुरू कर सकते हैं। आप बिंग से भी कोपायलट तक पहुंच सकते हैं। आइए देखें, एड्रेस बार में टाइप करें bing.com और एंटर करें पर क्लिक करें। पेज लोड हो जाने पर कोपायलट का आइकन देखें। आइकन सर्च बार के पास होना चाहिए। आइकन पर क्लिक करके आप कोपायलट पर पहुंच जाएंगे। कोपायलट पर नेविगेट करने का दूसरा तरीका माइक्रोसॉफ्ट एज के जरिए है। इसके लिए अपना एज ब्राउजर खोलें। खुलने के बाद कोपायलट आइकन के लिए ब्राउजर विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर देखें। ये हरा और नीला होगा। आइकन पर क्लिक करने से आपको एज में कोपायलट के फीचर्स का एक्सेस मिलेगा। यहाँ आप एज में कोपायलट के फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे वेब पेज के कंटेंट से जुड़े सवाल पूछना या कोपायलट से पेज पर जानकारी को संक्षेप में पेश करने के लिए कहना। कोपायलट ज्यादा कुशल ब्राउजिंग अनुभव के लिए आपके खुले टैब्स व्यवस्थित कर सकता है और पेज पर मौजूद प्रोडक्ट की तुलना करके आपके लिए बेस्ट ऑप्शन तय करने में आपकी मदद कर सकता है। अगर आपके पास कोपायलट प्रो सदस्यता है, तो कोपायलट के बेसिक फीचर्स के अलावा और भी फीचर्स मिलेंगे। सदस्यता के साथ आप चुनिंदा माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन में कोपायलट इस्तेमाल कर सकते हैं और व्यस्त समय में तेजी से जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस के लिए कोपायलट को डायनेमिक 365 जैसे प्लेटफॉर्मों में भी जोड़ा गया है। कोपायलट डेटा एनालिसिस, ऐप डेवलपमेंट, वर्कफ्लो ऑटोमेशन जैसी चीजों में मदद कर सकता है। सब आपकी क्रिएटिविटी जगाने और कोपायलट के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से जुड़ा है। ऐसे माहौल की कल्पना करें, जहां इनोवेशन की सीमाएं लगातार बढ़ रही हों। कोपायलट के साथ आप बस काम पूरा नहीं कर रहे हैं, काम करने का तरीका दोबारा परिभाषित कर रहे हैं, क्रिएटिविटी की नई लहर शुरू कर रहे हैं।